तो स्वागत है दोस्तों फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी सिलेक्टर पर। फिलहाल सर्दी से परेशान इस वजह से जुगाड़ करके यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये मैच यहाँ पर खेला जा रहा है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में। चूंकि केएल राहुल आपको अच्छी तरह से पता है कि उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी, फिलहाल उनका स्कैन कराने के बाद पता चला है वो पूरे के पूरे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। और ना सिर्फ आईपीएल से बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसमें उनको शामिल भी किया गया था टीम में, उससे भी वो बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर लखनऊ की कप्तानी यहाँ पर कुणाल पांडे आपको करते दिखाई पड़ेंगे। तो बेसिकली ये मैच वही जैसा आपको मैंने बताया कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि कौन ग्रैंड लीग जितवाएगा आज के मैच में, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक पूरा देख लेते हैं तो इस तरीके की विनिंग आप भी ग्रैंड लीग में कर पाएंगे, और ना सिर्फ आप इस तरीके की विनिंग कर पाएंगे बल्कि खुद के आप 20 ग्रैंड लीग की टीम भी बना पाएंगे। और कैसे बना पाएंगे उसका आपको बेस में यहां पर दूंगा, हेड टू हेड वेन्यू रिसेंट फॉर्म और प्लेयर बैटल के रिगार्डिंग, जिसमें आपको मैं इनिंग वाइज यहां पर बताता चलूंगा कि कौन सा प्लेयर किस इनिंग के लिए आपके लिए बेटर होगा। और ना सिर्फ इतना बल्कि जिसने इस वीडियो को पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें नंबर पर लाइक और कमेंट कर दिया है उसको तो बधाई मिलनी ही चाहिए क्योंकि उसने 5,000 रुपये जीत लिए हैं। लेकिन अगर आपने नहीं जीता तो आपके लिए भी एक चांस और यहाँ पर बनता है, जो कि इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन आंसर गिव अवे भी यहाँ पर रहेगा। तो जिसने भी आंसर करेक्ट करना है वो कर सकता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के, उसके पास भी 5,000 रुपये जीतने के चांसेज हैं जिसमें 5 लोग विनर होंगे। और कमेंट करने में आंसर कमेंट करना, उसका क्वेश्चन आपको जो होगा वीडियो के अंत में यहाँ पर या बीच में कहीं पर भी पूछ लूंगा। फिलहाल ये मैं जैसा आपको बताया कि 7 मई को दिन शुक्रवार और डबल हेडर के मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे। तो डबल हेडर के मुकाबले में आपको बताया कि 1:30 बजे मैच होता है, 1:30 बजे, तो 1:30 बजे वाला मैच आपको खेलते हुए दिखाई पड़ने वाला है, जिसमें आपको टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करके रखना है क्योंकि फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम के ही चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया कमेंट है वहां पर मिलेगा। तो दोनों में से किसी भी जगह पर जाइए, लिंक को क्लिक करिए, यहां पर टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए और नीचे यहां पर जो ज्वाइन बटन आपको दिखाई पड़ रहा है उसको क्लिक करके ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि यहीं पर सारे मैच अपडेट्स यानी किस तरीके की पिच यूज हो रही है। ये मैच जो कि खेला जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, आपको पता है वहां पर काली मिट्टी और लाल मिट्टी वाली विकेट होती है, और कौन सी पिच यहां पर इस मैच में यूज होगी उसके बारे में भी आपको मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा कि लाल मिट्टी वाली विकेट है या काली मिट्टी वाली। मैच अपडेट ग्रुप में टेलीग्राम पर आपको मैं हमेशा बताता हूं बाउंड्री डायमेंशन क्या होगी, पिच किस तरीके से व्यवहार करने वाली है, ओस जो कि सेकंड इनिंग में आएगी कि नहीं आएगी, जो कि चेज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कोर को, उसके बारे में भी आपको मैं टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए उसको जाकर के। इसके अलावा जो आपको मैंने गिव अवे के बारे में कहा था कि क्वेश्चन आंसर गिव अवे वीडियो के अंदर होगा, उसके लिए आपको माई मास्टर 11 को भी डाउनलोड करना है ऐप को, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे ऐप के बारे में कि क्यों डाउनलोड करना जरूरी है, क्यों वहां पर आप खेल करके अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले बात करते हैं पर पिच की, और जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पर लाल मिट्टी वाली और काली मिट्टी वाली दो तरीके की विकेट की यहाँ देखी जाती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। काली मिट्टी वाली जो विकेट होती है वहाँ पर स्पिन के लिए अच्छी खासी मदद होती है, तेज गेंदबाज भी जो चेंज ऑफ पेस कर पाते हैं वो अच्छी खासी तरीके से वहाँ पर विकेट लेकर के जाते हैं। लेकिन जो लाल मिट्टी वाली विकेट होती है वो बैटिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, वहाँ पर पेसर्स के लिए ज़्यादा बेहतर संभावनाएँ होती हैं, लेकिन बैटिंग के लिए भी अच्छे खासे वहाँ पर स्कोर बनते रहते हैं। लेकिन स्पिनर के लिए भी वहाँ पर चांसेस सेकेंड इनिंग में जाकर के बनते हैं अगर ड्यू नहीं गिरती है। तो ड्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी, लाल मिट्टी वाली विकेट होगी या काली मिट्टी वाली, सब कुछ टेलीग्राम पर आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी तक यहां पर जो टोटल 8 और 5 यानी कि 13 मुकाबले जो खेले गए हैं उसमें चेज करने वाली टीम 8 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबले यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम भी जीती है। आगे के आंकड़ों को अगर आप देखें इस मैदान पर तो टोटल 13 मुकाबले जैसा आपको मैंने बताया जो अभी तक खेले जा चुके हैं इस मैदान पर, उसमें स्पिनर्स की अगर आप देखें तो स्पिनर्स ने यहाँ पर 52 विकेटें चटकाई हैं जबकि तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर 98 विकेटें चटकाई। इसको अगर इनिंग वाइज भी देखना चाहे तो इनिंग वाइज भी देख सकते हैं कि स्पिन ने पहली इनिंग में 30, सेकंड इनिंग में 22 विकेटें चटकाई जबकि तेज गेंदबाजों ने पहली इनिंग में 49 और सेकंड इनिंग में भी 49 विकेटें चटकाई हैं। और जो इनिंग्स के स्कोर यहाँ पर इनिंग वाइज यहाँ पर अभी तक पिछले कुछ मुकाबलों में बने हैं, खास करके इस आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि इस आईपीएल में टोटल 5 मैचेस यहाँ पर खेले जा चुके हैं इसी मैदान पर, और उन 5 मैचेस में जो आखिरी मैच था उसमें पहली इनिंग 130 रन बने थे 8 विकेट पर, और चेज करने वाली टीम थी गुजरात, काफी सारी गलतियां उन्होंने की और केवल 125 रन बना पाई वो टीम, और 6 विकेट पर उस मैच को गुजरात की टीम 5 रनों से हार गई। और उसके पहले के मैचेस अगर आप देखें तो यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई, यहां पर अगर आप देखें तो चेज करने वाली टीम जीत गई, यहां पर अगर आप देखें तो फिर से 200 के ऊपर का भी स्कोर चेज हो गया, और यहां पर भी अगर आप देखें तो स्कोर को चेज करने वाली टीम जीत गई। तो बेसिकली यहां पर कोई भी टीम प्रेफर करेगी चेज करना टॉस जीतने के बाद, वो अलग बात है कि पिछले 2 मुकाबले लगातार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है लेकिन उसमें चेज करने वाली टीमों का योगदान ज्यादा है ना कि विकेट का। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ये देखते हुए कि चेजिंग करना यहां पर आसान होता है वो चेज करने जाएगी, और अगर ओस इस मैदान पर आता है तब तो चेज करना और भी आसान हो जाएगा। और फिलहाल बाकी आपको मैंने यहाँ पर आंकड़े दे ही दिए कि स्पिन और पेस यहाँ पर किस तरीके से अपना योगदान देते हैं दोनों ही इनिंग्स में मिला करके, और
ना सिर्फ दोनों इनिंग्स में मिला करके बल्कि ओवरऑल भी जो 13 मुकाबले हुए उसमें क्या इन्होंने योगदान अभी तक दिया है। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि काली मिट्टी वाली विकेट होगी तो क्या होगा और लाल मिट्टी वाली विकेट होगी तो क्या होगा, बाकी ये कंडीशंस हैं दोनों टीमों की कंडीशंस, मतलब अभी तक की परफॉर्मेंस इस आईपीएल के अंदर, जिसमें लखनऊ की टीम का आखिरी मैच रद्द हो गया था, लखनऊ में ही था सीएसके के खिलाफ, जो कि बारिश की वजह से हो नहीं पाया। हालांकि इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी उस मैच में, लेकिन उस मैच में भी केएल राहुल अगर आप देखें तो नहीं खेले थे, मनन वोहरा आए थे ओपन करने, कर्ण शर्मा आए थे नंबर 3 पर, काइल मेयर्स भी ओपन करने, तो पिछला मैच तो रद्द हो गया, लेकिन उसके पहले वाला मैच भी हारी थी ये टीम लखनऊ से ही, लखनऊ के अंदर ही आरसीबी से, और उसके पहले वाला मैच जीती थी, जो दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड के मुकाबले हुए थे लखनऊ और गुजरात के टीम के बीच में। इस आईपीएल में एक मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है, वो मैच भी लखनऊ में ही हुआ था, और उस मैच को भी जैसा आपको पता है कि अवे गेम्स में जाकर के गुजरात कैप्टन्स की टीम को कोई हरा पाया ही नहीं अभी तक इस आईपीएल में, और उस मैच में भी गुजरात की ही टीम जीती थी। लेकिन ये जो मैच है ये गुजरात के होम टाउन में है, होम ग्राउंड पर होगा, और जहां पर गुजरात की टीम अभी तक जितने भी मैचेस इस आईपीएल में हारी है वो सारे के सारे इसी स्टेडियम पर हारी है, अपने ही होम ग्राउंड पर, और डेफिनेटली यहाँ पर उम्मीद कम ही थोड़ी दिखाई पड़ रही लखनऊ की तरफ से, क्योंकि इनकी टीम भी थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है केएल राहुल के जाने के बाद, तो गुजरात की टीम काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब भाई मास्टर 11 के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, उसकी बात करनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक तो गिव अवे जो 5,000 रुपये का इस वीडियो के अंदर होगा, क्वेश्चन आंसर गिव अवे, उसके लिए भी इसको डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो यूजर नेम होगा आपका वो आपको जरूरी जरूरत पड़ेगी उसकी, आंसर करते हो कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ एंट्री फी यहाँ पर दूसरे ऐप्स के मुकाबले बहुत कम है, करीब 10% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेम विनिंग्स के लिए एंट्री फी आपको यहाँ पर काफ़ी कम देनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर लीडर बोर्ड कई तरीके की चल रहा है, एक तो यहाँ पर 25 अप्रैल से 10 मई के बीच का एक लीडर बोर्ड चल रहा है जो कि होगा इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, एक आईपीएल का भी लीडर बोर्ड यहाँ पर चल रहा है 1 करोड़ का। इसके अलावा हर आईपीएल मैच में 50,000 रुपये का फ्री गिवअवे, तो फ्री में भी यहाँ पर आप खेल करके पैसे जीत सकते हैं, मेरे पूरे वीडियोज़ को देख करके शानदार टीवी बना करके लोग जीते भी हैं, जिसका आपको मैंने एग्जांपल वीडियो को शुरू में ही अगर आपने देखा होगा जो पहला पेज था उस पर मैंने आपको दिखाया था, वहां पे ग्रैंड लीग का एक स्क्रीनशॉट बेसिकली लगा हुआ था। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो आपको बगल में स्क्रीन पर ही दिखाई पड़ रहा होगा एक संडे सैटरडे और संडे के लिए, यानी कि 6 मई और 7 मई, फिलहाल ये जो मैच है 7 मई को हो रहा है, तो 6 मई और 7 मई के लिए दो ऑफर, एक ऑफर यहां पर लाया गया है इसी ऐप के द्वारा जो कि होगा वीकेंड डिपॉजिट ऑफर। अगर यहाँ पर आप 100 रुपये के ऊपर का कोई भी डिपॉजिट करते हैं, जैसा आपको यहाँ पर देखेंगे साइड पर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है एक पिक्चर जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 100 रुपये ऊपर का कोई भी डिपॉजिट आप करिए, एक कोड आपको दिखाई पड़ रहा होगा यूज कोड, उस कोड को यूज करिए, और 100 के ऊपर का कोई भी डिपॉजिट आप करेंगे तो आपको 10% का रियल कैश मिलेगा, एक्स्ट्रा रियल कैश, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको 1,10,000 रुपये मिलेंगे खेलने के लिए, वो भी 100% यूजेबल। ऐसा नहीं है कि जो 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा वो बोनस है और उसको आप कोई लिमिटेशन उसमें होंगे आपको यूज करने के लिए, बिल्कुल कोई लिमिटेशन नहीं, वॉलेट में आपके अमाउंट के साथ ही वो ऐड हो जाएगा, और जबरदस्त ऑफर है मेरे हिसाब से, इससे बेहतर कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। तो संडे और सैटरडे के लिए जो 2 दिनों का ऑफर है इसको आप 10 बार अवेल कर सकते हैं सिंगल अकाउंट से, यानी कि 10 बार आप डिपॉजिट कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, और 10 बार आपको, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपये करके 10 बार डिपॉजिट भी करते हैं तो आपको हर बार 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1,00,000 रुपये आपको 10 लाख के डिपॉजिट पर मिल जाएंगे। तो ये ऑफर जबरदस्त ऑफर है केवल 2 दिनों के लिए, इसका जरूर जल्दी जल्दी फायदा उठा लीजिए, लेकिन उसके पहले ऐप को तो डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से जाकर के डाउनलोड करिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर ये प्लेइंग 11 आपको दिखाई पड़ सकती है गुजरात की तरफ से, जिसमें शुभमन गिल, साहा, हार्दिक पांड्या, शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तिवारी, राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद और मोहम्मद शमी, ये आपको प्लेइंग 11 में दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें पिछले वाले मैच में भी चाहे शमी की बात कर लें, चाहे नूर अहमद की बात कर लें, चाहे राशिद खान की बात कर लें, शानदार बॉलिंग करते हुए विकेट इन लोगों ने चटकाई थी। इवन मोहित शर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन इनको ओवर ही नहीं मिल पाए, क्योंकि बाकी बॉलर्स ने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की कि इनको ओवर करने की ज्यादा जरूरत पड़ी ही नहीं, बल्कि बेसिकली 1 या 5 ही गेंदें इन्होंने की थी और उसमें इनको विकेट नहीं मिल पाया था। लेकिन यही मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 उतरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन यहीं से जो आपको मैं एक यूनिक तरीका बताता हूँ हर मैच में, यही से हम अपनी टीम सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और आगे तक उसको हम एक्सप्लेन करना जारी रखते हैं पूरे वीडियो के दौरान कि क्यों हमने ये टीम सेलेक्ट की। तो यहाँ पर गुजरात की तरफ से जो आज की मैच में मेरिट टीम में यहाँ पर प्लेयर्स होने वाले हैं उसमें अगर आप देखें तो सामने की टीम लखनऊ है, उसमें विकेट कीपर कौन है, निकोलस पुरन। इस टीम में कौन सा विकेट कीपर है, वृद्धिमान साहा। लास्ट मैच में वृद्धिमान साहा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की है, लेकिन स्टिल आज के इस मैच की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल वृद्धिमान साहा मेरी टीम में नहीं होंगे, इसको देखते हुए कि साहा जरूर एक इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन सामने से जो निकोलस पुरन है अगर लाल मिट्टी वाली विकेट मिल जाती है तो ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन होंगे। हालांकि काली मिट्टी वाली विकेट अगर यहाँ पर गुजरात की टीम देती है अपने होम ग्राउंड पर तो अलग बात है, आप साहा को लेकर के जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ नाम इस टीम की तरफ से तो शुभमन गिल हमारे टीम में हर हाल में होंगे ही होंगे, शायद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में है लेकिन हमारे टीम में होंगे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में आपको रखना ही रखना है, मिलर को आप छोड़ सकते नहीं जिस तरीके की फिनिशिंग एबिलिटी इनके अंदर है। इसके अलावा राशिद खान,
नूर अहमद और मोहम्मद शमी, यानी कि तीन प्लेयर ये और तीन प्लेयर ये छह प्लेयर हमारी टीम में होंगे अगर लाल मिट्टी वाली विकेट यूज होती है। एक चेंज यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, शायद वो भी काली मिट्टी वाली विकेट ही होगी, तो भी शायद मैं पूरन के ही साथ जाऊँ, लेकिन अभी के लिए आपको मैं बताता हूँ अगर आप चाहें तो साहा को रख सकते हैं अपनी टीम में अगर काली मिट्टी वाली विकेट होती है, क्योंकि उसका भी एक रीजन ये होता है कि जब काली मिट्टी वाली विकेट होती है और निकोलस पूरन आता है बैटिंग करने नीचे, तब तक वो विकेट और भी स्लो हो जाती है, तब बैटिंग करना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। अभी तक काली मिट्टी वाली विकेट जहाँ जहाँ भी यूज हो रही है, कहीं भी किसी भी ग्राउंड पर, वहाँ पर निकोलस पूरन का रिकॉर्ड बहुत खराब है, उनसे बैटिंग हुई ही नहीं वहाँ पर, इसी वजह से ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं निकोलस पूरन को आज के मैच में पिक करूँगा, उनकी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर से जो उनकी वल्नरेबिलिटीज है उसको देखते हुए, चूंकि टीम उनकी बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ रही टॉप ऑर्डर से। तो ये जो छह प्लेयर सेलेक्ट करने थे गुजरात की तरफ से वो आपको मैंने यहाँ पर बता दी। बाकी आपके पास मोहित शर्मा का भी ऑप्शन है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। आगे दूसरी प्लेइंग इलेवन देखें, उसके पहले गुजरात का बेंच है, इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो जो नाम है इनमें से कोई प्लेइंग इलेवन में खेला तो डेफिनेटली जोशुआ लिटिल है, जो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर एज ए सीधा प्लेइंग इलेवन में भी आते हैं कई बार खेलने। बाकी ये टीम है लखनऊ की, इनकी तरफ से बात करें तो पिछले वाले मैच में मनन वोहरा ने ओपन किया था काइल मेयर्स के साथ, आयुष बदोनी नंबर तीन पर तो नहीं आए थे पिछले मैच में, नीचे आए थे, लेकिन इस मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर तीन पर ही बैटिंग करेंगे। इवन अगर नीचे भी बैटिंग करते हैं तो भी ये बेस्ट पिक है टीम की तरफ से, ये मेरी टीम में डेफिनेटली होंगे काइल मेयर्स के साथ। अब मेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चूंकि केएल राहुल है नहीं, और इन दोनों को अपने टीम में लेने के अलावा अगर एक बात आपको ध्यान में रखते हो कि क्विंटन डिकॉक खेलते हैं, हो सकता है इनकी जगह पर काइल मेयर्स की जगह पर, तब वो हमारी टीम में आ जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी मार्कस स्टोरीज हर हाल में हमारी टीम होंगे, निकोलस पूरन के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूं कि हमारी टीम होंगे। तो ये एक दो तीन चार प्लेयर हमारी टीम में डेफिनेटली होने वाले, और इनके कप्तान कुणाल पांड्या। कोई भी बॉलर फिलहाल अभी मैं ले जाने की स्थिति में नहीं हूं, अब ये देखना पड़ेगा कि यहां पर काइल मेयर्स खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इवन काइल मेयर्स खेले या ना खेले, साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि मार्कस स्टोरीज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, चूंकि पिछले एक दो मैच से थोड़ी सी कम बॉलिंग कर रहे, तो शायद इनके जहां पर कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई किया जाए। लेकिन फिलहाल नवीन उलहक एक ऐसे नाम है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, हर हाल में बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, लेकिन सिर्फ काली मिट्टी वाली विकेट पर मैं इनको लूंगा, रेड सॉइल वाली विकेट अगर यूज होगी तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं लूंगा। बाकी नीचे ऑप्शंस जरूर हैं आपके पास, लेकिन चूंकि गुजरात की टीम थोड़ी सी भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है, जो भी आप टीम सिलेक्ट करते हैं या आप मान करके चलते हैं एक टीम तो जीतेगी, तो उसी के हिसाब से आपको टीम भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। इस वजह से इधर के कोई बॉलर मैं लेकर के नहीं जाऊंगा, सारे बॉलर मेरे जो मेन होंगे वो होंगे गुजरात की तरफ से। तो ये पांच प्लेयर जो आपको मैंने इधर से सिलेक्ट करने थे उसको मैंने आपको बता दिया। बाकी ये बेंच है लखनऊ का, अब आगे हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या स्टार्ट था सभी प्लेयर के और क्यों किस प्लेयर को मैंने लिया किस प्लेयर को नहीं लिया। अब क्वेश्चन आंसर गिव अवे जिसके बारे में बात कर रहा था कि 5000 रुपये गिव अवे होगा, तो क्वेश्चन यही है फिलहाल जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ भी रहा होगा कि हु विल बी द हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर इन ऑन ड्रीम इलेवन इन दिस मैच, यानी कि ड्रीम इलेवन पर आज के मैच में सबसे ज्यादा स्कोर या पॉइंट किसके बनेंगे, किस प्लेयर के बनेंगे, उस प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के साथ आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको कमेंट के साथ जो आप आंसर करेंगे, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि काइल मेयर्स सबसे ज्यादा रन बनाएंगे और आप सबसे ज्यादा पॉइंट पाएंगे आज के मैच में, तो काइल मेयर्स का नाम आप लिखेंगे आंसर के रूप में कमेंट बॉक्स में, लेकिन उसी के साथ अपना आपको माई मास्टर 11 का यूजर नेम भी लिखना है, जो कि यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है मेरा यूजर नेम, ये तो एक रियल नेम है, ऊपर एक यूजर नेम दिखाई पड़ता है जब आप प्रोफाइल खोलते हैं तो वहां पर आपको दिखाई पड़ता है, तो यूजर नेम भी आपको यूज करना है और आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है ताकि मैं वहां से वेरीफाई कर पाऊं। तो माई मास्टर इलेवन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी 10% का रियल कैश ऑफर जो है 6 और 7 मई का ऑफर, उसका फायदा जरूर उठाइए। बाकी इसके लिए पूरा वीडियो देखना है आपको जरूरी है, पूरा शुरू से अंत तक लाइक करना है वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट में अपना आंसर करते हुए माई मास्टर इलेवन ऐप का जो आपको यूजर नेम है उसको भी आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट्स की बात करना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले टीम आती है पर गुजरात की, और गुजरात की टीम का अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे प्लेयर्स की, तो शुभमन गिल लगातार शानदार फॉर्म में रहे, बीच बीच में एक आध फेलियर इनकी आती रही जरूर है, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत शानदार फॉर्म में रहे। बाकी ये जो मैदान है गुजरात का, यहाँ पर इनके रिकॉर्ड्स बहुत कमाल के हैं। हालांकि आखिरी मैच यहाँ इन्होंने जो यहाँ पर इसी मैदान पर खेला, उसमें 6 रन बना करके आउट हो गए थे, लेकिन इसके अलावा कोई भी फेलियर इस मैदान पर शुभमन गिल की नहीं रही है। बाकी फॉर्म तो अच्छा है ही, और पिछले मैच में आपको बता चुका हूँ कि साहा काफ़ी अच्छा खेले थे, अपनी टीम को 9 विकेट से जितवाने में मदद किया इन्होंने, हालांकि उसके पहले के मैचेस में लगातार फ्लॉप हुए थे। बाकी हार्दिक पांड्या अगर आप देखें तो 39 नाबाद 1 विकेट, 59 रन, एक कोई विकेट नहीं, 26 रन कोई विकेट नहीं, इस तरह से लगातार एज ए बैटर काफी कामयाब रहे, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं हालांकि विकेट इनको नहीं मिला। बाकी डेविड मिलर का अगर आप देखें तो 0, 32, 46, और ये जो 0 की पारी है वो भी इसी मैदान पर आई थी, हालांकि इस मैदान पर डेविड मिलर का भी रिकॉर्ड जबरदस्त है, बड़ा खतरनाक रिकॉर्ड है। पिछले मैच में तो बैटिंग नहीं है इनकी, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि आएगी बैटिंग और काफी इंपॉर्टेंट नाम होंगे भी। बाकी विजय शंकर, अभिनव मनोहर, इनके भी रिसेंट फॉर्म्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इवन राहुल तिवतिये का, राशिद खान तो लगातार कमाल की खतरनाक बॉलिंग कर ही रहे, 3 विकेट 1 विकेट 0 2 1, इस तरीके से लगातार विकेट चटका रहे हैं। बाकी मोहम्मद शमी, इनकी बात कहनी है क्या, मोहम्मद शमी एक ऐसे नाम है जब आपको मैंने गुजरात की टीम से आपको बताया कि प्लेयर्स में 6 प्लेयर सेलेक्ट कर रहा हूं, मोहम्मद शमी भी हमारे टीम में थे, लेकिन मोहम्मद शमी का भी एक कंडीशन ये है कि अगर पहली इनिंग में गुजरात की टीम बॉलिंग करती है
तभी वो हमारी टीम में होंगे, वरना उनकी जगह पर आप नवीनुल हक को ले सकते हैं। नवीनुल हक ऐसे नाम है जिनको आप दोनों ही इनिंग्स में अपनी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमेशा आपको विकेट लेके देंगे जिस तरीके के फॉर्म में भी है और जिस तरीके के उनकी बॉलिंग है, चाहे वो काली मिट्टी वाली विकेट हो चाहे लाल मिट्टी वाली विकेट हो, दोनों जगह यूजफुल होते हैं। डिपेंड करता है कि गुजरात की टीम किस इनिंग में बॉलिंग करेगी। समी सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम में तभी होते हैं जब गुजरात पहले बॉलिंग करती है। बाकी जोशुआ लिटिल तो हैं, इनका भी फॉर्म देख लीजिए। मोहित शर्मा, इनसे जब भी बॉलिंग करवाई जाती है दो से तीन ओवर आपको दो तीन विकेट लेके देते ही है। नूर अहमद ने भी पिछले मैच में दो विकेट लिया था और इस मैदान पर एक बार फिर से अगर लाल मिट्टी वाली विकेट हो चाहे काली मिट्टी वाली हो, लाल मिट्टी वाली विकेट पर ये ज़्यादा असरदार होते हैं। जबकि ये बात उल्टी मैं कह रहा हूँ आपको, उसके बावजूद इनका रिकॉर्ड जो कहता है वो यही कहता है कि लाल मिट्टी वाली विकेट पर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बाकी नीचे के जो प्लेयर्स हैं उनके भी आप रिसेंट फॉर्म को देख सकते हैं। साई सुदर्शन एक ऐसे नाम रहे हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस करने के बावजूद अब फिलहाल टीम में जगह नहीं बना पा रहे, शायद स्ट्राइक रेट उसकी वजह थी, क्योंकि अभिनव मनोहर इनको जहाँ पर खिलाया जा रहा है लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर भी रहे और तेजी से रन बना भी रहे। अब यहाँ पर हेड टू हेड के नंबर आप देखेंगे तो गुजरात टाइटंस के जो प्लेयर हैं लखनऊ के खिलाफ कैसा खेलते हैं, तो शुभमन गिल के तीन मैच में 63 रन है, रिद्धिमान शाह के दो मैच में 52 रन है, 47 का हाईएस्ट स्कोर है। हार्दिक पांड्या के भी रिकॉर्ड अगर आप देखें तो तीन मैच में 110 रन है, 66 का हाईएस्ट स्कोर है, विकेट हालांकि कोई नहीं है। डेविड मिलर के तीन मैच में 62 रन है, दो मैच में 14 रन विजय शंकर के हैं। अभिनव मनोहर, राहुल तिवतिया, राशिद खान का रिकॉर्ड तो जबरदस्त है, तीन मैच में 6 विकेट लेकर के गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोहम्मद शमी के तीन मैच में 4 विकेट हैं, एक मैच में 2 विकेट मोहित शर्मा का, वही नूर अहमद का भी रिकॉर्ड आप देखेंगे। यश दयाल के भी एक मैच में 2 विकेट है, हालांकि ये खेलेंगे नहीं जहां तक मुझे उम्मीद है। और बाकी सभी के हेड टू हेड के नंबर यहां पर आप देख सकते हैं और किन किन प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में सिलेक्ट किया था शुरू में ही जो आपको मैंने बताया था उसमें राशिद खान है, मोहम्मद शमी है, नूर अहमद है, डेविड मिलर है, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल है, इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, उससे भी आप वैल्यूएशन लगा सकते हैं। लेकिन शमी के बारे में स्टिल मैं कहूँगा कि अगर सेकंड इनिंग गुजरात की टीम बॉलिंग करेगी तो मैं नवीनुल हक को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ना कि शमी को। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो उसका कारण है चूंकि शमी ज़्यादातर पहले ही इनिंग में विकेटें निकालते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि उनको सेकंड इनिंग में विकेटें नहीं मिली, इसी आईपीएल में एक ऐसा मैच भी होता जहाँ पर उन्होंने 3 विकेटें ली थी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, और तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी नवीनुल हक मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन होंगे क्योंकि उनकी बॉलिंग स्टाइल जो है दोनों ही इनिंग्स के लिए सूट करती है। अब आगे अगर आप देखें वेन्यू स्टैट्स को तो अपनी होम ग्राउंड पर किस तरीके से लोग खेलते हैं, तो 61 का एवरेज यहाँ पर शुभमन गिल का है। इस आईपीएल के पहले इनका बैटिंग एवरेज यहाँ पर 100 से ज़्यादा का था, अब फिलहाल 61 का है। बाकी रिद्धिमान शाह यहाँ पर बहुत खराब खेले, 10 मैच में केवल 93 रन है, 3 मैच में 95 रन यहाँ पर है साई सुदर्शन के। हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है, 12 मैच में 258 रन है, 37 का एवरेज है, 12 विकेटें भी है। इवन विजय शंकर का भी रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है। डेविड मिलर तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खेलते रहे, 6 मैच में 180 रन है, पिछले मैच में हालांकि बिना खाता खोले आउट हो गए थे। बाकी अभिनव मनोहर का भी अगर आप देख लें, तेवतिया का देख लीजिए, इवन राशिद खान 6 मैच में 11 विकेट यहाँ पर लेकर के गए हैं। ये ग्राउंड वैसे भी इनका होम ग्राउंड है, एक तरह से आईपीएल का होम ग्राउंड, और यहाँ पर बेहतरीन खेलते भी हैं। जोशुआ लिटिल का यहाँ पर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, अलजारी जोजफ के 3 मैच में 4 विकेट हैं, मोहम्मद शमी 9 मैच में 13 विकेट, और यहाँ पर इन्होंने सेकंड इनिंग में भी विकेट चटकाई हैं, हालांकि यहाँ पर मैं इनको सेकंड इनिंग में लेने वाला नहीं हूँ। बाकी मोहित शर्मा इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, बाकी सभी प्लेयर्स खास करके नूर अहमद का भी देख करके रखिए, 3 मैच में 3 विकेट है, और बाकी नंबर्स भी आपके सामने हैं। तो ये थे वेन्यू स्टार्ट्स गुजरात की टीम के, इसके आगे अब देखिए अब यहाँ पर दूसरी टीम आएगी यानी कि लखनऊ की टीम। लखनऊ की टीम अपना अवे गेम खेल रही है, कमजोर हो चुकी टीम थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है क्योंकि केएल राहुल फिलहाल नहीं खेल रहे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल की वजह से उनको जीत हार कुछ होने वाली है, क्योंकि वो भी जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। आगे अगर आप बढ़ते हुए देखें तो देखिए मनन वोरा जो फिलहाल पिछले मैच में पहली बार बैटिंग इन्होंने खेली थी अपनी टीम के लिए, तो 10 रन की पारी खेली थी, लेकिन उसके पहले डोमेस्टिक सर्किट में 34, 42, 36, 5 और 0 की पारियां खेल करके आ रहे हैं। बाकी कायल मेयर्स तो उस तरह के प्लेयर है कि बल्ला भाजेंगे, चल गए तो अच्छा, नहीं चले तो वो भी अच्छा। और आखिरी मैच जब इन्होंने खेला था 14 रन के जो पारी खेले थे वो इसी टीम जो पारी खेली थी आरसीबी के खिलाफ थी अपने होम ग्राउंड पर। उसके पहले की भी जो एक 0 रन की पारी है वो भी अपने होम ग्राउंड पर इन्होंने खेला था लखनऊ में, वो चेन्नई के खिलाफ और ऑफ स्पिनर के खिलाफ आउट हुए थे। तो ये जो काइल मेयर्स नाम के प्लेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ही इनके सामने ऑफ स्पिन इंट्रोड्यूस होता है ये तुरंत आउट होते हैं, ये इनके सामने एक दिक्कत रही है। और जो सामने की टीम है जैसे आपको मैंने गुजरात की टीम, उसके पास हालांकि कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर तो नहीं है, लेकिन उनके पास डेफिनेटली नूर अहमद एक ऐसा नाम है जो एज ए ऑफ स्पिनर काम कर सकते हैं, हालांकि ऑफ स्पिनर करते नहीं, बॉलिंग कुछ उस तरीके की उनकी रहेगी और इनके लिए वो खतरा साबित हो सकते हैं। बाकी करण शर्मा भी पिछला मैच खेले थे, 9 रन में थे, आयुष बदोनी शानदार 59 रन के नबाद पारी खेली थी, साथ मुझे जहां तक याद आ रहा है नंबर 6 नंबर 7 पर इन्होंने बैटिंग की थी, 33 गेंद पर 59 नबाद की शानदार पारी इन्होंने अकेले दम पर अपनी टीम को 100 के ऊपर के स्कोर पर पहुंचाया था। बाकी स्टोरीज भी पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे 6 रन, लेकिन उसके पहले अच्छी बैटिंग इन्होंने की थी। बाकी निकोलस पुरम भी फ्लॉप हुए थे, दीपक हुड्डा तो लगातार फ्लॉप हो रहे अगर आप देखते चले जाएं आगे। बाकी कुणाल पांडे जो कप्तान है इनसे थोड़ी उम्मीद होगी, हालांकि पिछले मैच में ये भी बिना खाता खोले आउट हो गए थे। बाकी बॉलिंग का चांस तो मिला नहीं था जो कि मैच ही रद्द हो गया था, उसके पहले वाले मैच में बॉलिंग किया था विकेट नहीं था, इवन उसके पहले वाले मैच में भी विकेट नहीं है, उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट है। बाकी आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं
अवेश खान भी पिछले लास्ट के दो मुकाबले जो खेले उसमें विकेट लेस रहे, उसके पहले एक ऐसा मैच था जहां पर 3 विकेट लिया था और उसके पहले वाले मैच में ज्यादा विकेट नहीं है। लेकिन अवेश खान एक ऐसा नाम है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं इनको मैं हमेशा प्रेफर करता हूं सेकंड इनिंग में। ये ऐसे बॉलर ही है, इनकी बॉलिंग स्टाइल ही ऐसी है कि इनको सेकंड इनिंग में विकेटें ज्यादा मिलती है। इसके अलावा रवि बिश्नोई हर इनिंग के लिए बेहतरीन है और काफी विकेटें भी इन्होंने चटकाई लगातार। बाकी नवीन उलग ये तो है ही काफी बेहतरीन खतरनाक बॉलर, बाकी लगातार अमित मिश्रा विकेटें भी चटका रहे हैं, अमित मिश्रा भी विकेट चटका रहे हैं। बाकी नीचे के जो नाम है इनके भी यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। मार्क वुड एक ऐसा नाम रहेगा जो इंटरेस्टिंग रहेगा, ये देखना कि ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है कि अगर लाल मिट्टी वाली विकेट हुई तो शायद इनको जगह मिल सकती है, लेकिन बाकी चांसेस थोड़े से कमी दिखाई पड़ते हैं। और अगर क्विंटन डिकॉक खेलते हैं तो इनके भी रिसेंट फॉर्म को यहां पर आप देख करके रखिएगा। बाई चांस अगर प्लेइंग 11 में आ गए काइल मेयर्स के यहां पर तो आपको सिलेक्शन करने में इनकी उम्मीद रहेगी। बाकी लेना तो है ही उनको, मिस आपको उनको नहीं कर सकते। बाकी ये है हेड टू हेड के नंबर, जिसमें लखनऊ के प्लेयर्स गुजरात के खिलाफ कैसा खेलते हैं उसको अगर आप देखें तो उसमें काइल मेयर से शुरू करेंगे। एक मैच में 24 रन है, 3 मैच में 84 रन है, 1 विकेट अगर आप देखें दीपक हुड्डा का। गुजरात की टीम अगर मैं बात करूँ तो एक तरह की होम टीम है, दीपक हुड्डा का होम ग्राउंड होगा ये गुजरात का मैदान, तो उम्मीद है कि अगर इनको टॉप ऑर्डर पर मौका मिल गया, हालांकि फॉर्म इनका खराब इतना ज़्यादा चला है कि शायद ही मौका मिले, लेकिन मुझे लगता है करण शर्मा या मनन वोरा के जगह पर इनको फिर से ट्राई किया जाना चाहिए टॉप ऑर्डर पर। और अगर मौका मिलता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट ग्रैंड लीग के टीम के ऑप्शन होंगे एज ए कैप्टन। इसके अलावा अगर आप देखें कुणाल पांड्या का रिकॉर्ड हेड टू हेड में तो 3 मैच में 49 रन है, 3 विकेट हैं, 2 मैच में 2 विकेट हैं, 2 रन है यहाँ पर मार्कस स्टोनिस के। निकोलस पुरन आयुष बदोनी का अगर आप देख लें तो 4 मैच में 31 रन है, पिछले मैच में शानदार 59 की पारी खेल के आ भी रहे हैं। रवि बिश्नोई इंटरेस्टिंग ये रहा है कि इनको यहाँ पर 2 मैच में कोई विकेट नहीं मिला है, तो इसी वजह से मैंने रवि बिश्नोई को लिया भी नहीं। हालांकि कोई भी वजह हो रवि बिश्नोई मेरी टीम में आज के मैच में नहीं रहने वाले। अवेश खान का देख लीजिए, बाकी नवीन उलहक 1 मैच में 1 विकेट, अमित मिश्रा के 1 मैच में 1 विकेट है, 2 मैच में 18 रन यहाँ पर क्विंटन डिकॉक का है। और डेनियल सैम्स के भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड टू हेड में जो टीम है सामने गुजरात की टीम उसके खिलाफ। अब आगे बढ़ेंगे इस मैदान पर, अपने इस मैदान पर अगर मैं बात करूँ तो दीपक हुड्डा, क्योंकि हालांकि वो बड़ौदा के लिए खेलते हैं, बड़ौदा भी गुजरात में ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका होम ग्राउंड है। इनके अगर आप देखें तो 9 मैच में 43 रन है, 2 विकेट, बहुत खराब परफॉर्मेंस इनकी यहाँ पर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी परफॉर्मेंस इनसे ड्यू है, टैलेंटेड प्लेयर हैं, मौका मिलता है तो मेरी टीम में रहेंगे ग्रैंड लीग की टीम में खास करके एज ए कैप्टन। बाकी मार्कस स्टोनिस के 3 मैच में 28 रन है, 1 विकेट है। निकोलस पुरन का देख लीजिए, किसी का भी रिकॉर्ड है पर बहुत अच्छा नहीं। मार्क वुड ने 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं, अवेश खान ने 3 मैच में 3 और रवि बिश्नोई ने 5 मैच में 4 विकेट लिए हैं। तो ये आपने देखा अभी तक यहाँ पर पूरे के पूरे इंडिविजुअल नंबर्स, सभी प्लेयर्स के डिटेल्ड स्टैट्स, चाहे वो वेन्यू की बात करें, हेड टू हेड की बात करें, चाहे रिसेंट फॉर्म की बात करें। अब आगे आप देखेंगे कंबाइंड स्टैट्स जो होंगे प्लेयर बैटल एक दूसरे के खिलाफ, बैटर वर्सेस बॉलर, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। आपको पता चलता है वहाँ से कि कौन सा बैटर है किस बॉलिंग स्टाइल के खिलाफ उसको दिक्कत होती है, जिसमें शुभमन गिल से शुरू करें अगर आप देखिए तो गुजरात के बैटर वर्सेस लखनऊ के बॉलर कुणाल पांड्या के खिलाफ एक बार आउट जरूर हुए, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी कम है, 37 गेंद पर केवल 29 रन है, तो दिक्कत इनको होती है स्पिन के खिलाफ, वैसे भी आप जानते होंगे। और इनको तेज़ गति की गेंदें खेलना ज़्यादा पसंद है जिस तरीके का इनका खेलने का स्टाइल है। अवेश खान के खिलाफ 37 गेंद पर 39 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके, अमित मिश्रा के 17 गेंद पर 19 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके, तो इनको दिक्कत होती है स्पिन गेंदबाजी से, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। बाकी जो स्लोअर वंस फेंकते हैं जैसे नवीन उलहक भी इनके लिए एक अच्छे खासे थ्रेट होने वाले आज के मैच में, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी वृद्धिमान साहा ये तो हमारे टीम में वैसे होने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर आप इनका रिकॉर्ड भी देखें तो यहाँ पर इनका रिकॉर्ड उनादकट के खिलाफ तो अच्छा है, हालांकि उनादकट तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुके हैं। बाकी अमित मिश्रा के खिलाफ, कुणाल पांड्या के खिलाफ एवरेज रिकॉर्ड है, इवन मोहसिन खान के खिलाफ भी एक बार आउट हो चुके 7 गेंद पर केवल 1 रन बना करके। और मोहसिन खान अगर आपको याद हो तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, लखनऊ की टीम से खेलते हैं, फिलहाल शुरू में खेल नहीं पाए जो कि चोटिल थे, अब टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, फिट हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल मौका उनको मिल नहीं पा रहा। इसके बाद इधर आप देख रहे हैं डेविड मिलर का, तो अमित मिश्रा के खिलाफ एक बार आउट जरूर है, वैसे भी इनको स्पिन से दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अमित मिश्रा को उन्होंने अच्छा खासा पीटा है, 51 गेंद पर 68 रन बनाया। बाकी अवेश खान का देख लीजिए, अवेश खान ने इनको 51 रन देकर 2 बार आउट किया, वहाँ पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। दीपक हुड्डा ने 43 रन देकर एक बार और मार्कस स्टोनिस ने 16 रन देकर एक बार, तो सभी को इन्होंने काफ़ी अच्छा फेस किया है अभी तक। इसके अलावा हार्दिक पांड्या का भी आप देख लीजिए, कुणाल पांड्या अपने बड़े भाई के खिलाफ एक बार आउट हो चुके हैं और हमेशा ही कुणाल पांड्या ने डोमिनेट किया इनको हमेशा अपनी बॉलिंग से। इसके अलावा मार्कस स्टोनिस का देख लीजिए, 15 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं, अमित मिश्रा भी 9 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं। तो ये 3 बॉलर कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोनिस और अमित मिश्रा, इनके लिए बराबर थ्रेट यहाँ पर होने वाला है आज के भी मैच में। तो अगर आप चाहें तो इनको कैप्टनसी तो कम से कम चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गुजरात का मैदान है इस वजह से मेरी टीम के कैप्टन शायद हों। आगे बढ़े तो उसमें यहाँ पर अभिनव मनोहर, मैथ्यू वेट और साथ ही साथ इधर आप विजय शंकर के भी यहाँ पर प्लेयर बैटर्स देख सकते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोई है तो विजय शंकर है, जिसमें आप इनका नंबर्स देखें तो अवेश खान के खिलाफ भी बहुत अच्छा नहीं है, इवन नवीन उलहक के खिलाफ तो बहुत खराब है, उनादकट और कुणाल पांड्या के खिलाफ भी एवरेज रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। इसके बाद आगे अगर बढ़े बाकी के प्लेयर बैटर देखें, जिसमें लखनऊ के बैटर वर्सेस यहाँ पर आते हैं गुजरात के बॉलर, तो राहुल तो है नहीं, इनकी बात हम नहीं करते हैं। बाकी दीपक हुड्डा का देख लीजिए, 3 बार राशिद खान पर आउट हो चुके हैं, बड़ी समस्या इनको रही है। हालांकि एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर इनको टॉप ऑर्डर पर मौका मिलता है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं,
बाकी शिवम अभी तो खेल नहीं पा रहे प्लेइंग 11 में, मोहित शर्मा के खिलाफ भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है और अलजारी जोजफ के खिलाफ भी रिकॉर्ड उतना अच्छा इनका है नहीं और फॉर्म में भी नहीं है। बाकी निकोलस पुरन जो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है आज के मैच में, जो कि एक तरह से एक कमजोर हो चुकी बैटिंग लाइनअप जो लखनऊ की है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनका रिकॉर्ड भी देखेगा तो राशिद खान के खिलाफ बहुत खराब है, अलजारी जोजफ के खिलाफ एवरेज आप कह सकते हैं। इवन नूर अहमद ने भी 9 गेंद पर 3 रन देकर के 1 बार आउट किया इनको, बाकी समी ने भी 5 गेंद पर 7 रन देकर के 1 बार आउट इनको किया है। इवन क्विंटन डिकॉक का भी देख लीजिए चांसेज हैं इनके आज के मैच में खेलने के, लेकिन इनका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो राशिद खान के खिलाफ बहुत अच्छा है, यहाँ पर 50 गेंद पर 60 रन बना करके 1 बार आउट केवल हुए हैं। तो राशिद खान को क्विंटन डिकॉक ने काफ़ी अच्छा फेस किया है। इसके अलावा अगर बाकी अगर आप देखें तो मोहम्मद समी 3 बार इनको आउट कर चुके हैं 30 गेंद पर 44 रन देकर के। मोहित शर्मा के खिलाफ रिकॉर्ड आप देख लीजिए, बाकी आपको नीचे दो नाम और दिखाई पड़ा वो तो फिलहाल प्लेइंग 11 में नहीं खेल पा रहे, लेकिन समी के मोहित शर्मा के खिलाफ और समी के खिलाफ इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन राशिद खान को इन्होंने काफी अच्छा फेस किया है। आगे बाकी के प्लेयर बैटर्स अगर आप देखें तो काइल मेयर्स अलजारी जोजफ के खिलाफ काफी अच्छा खेला, लेकिन राशिद खान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड खराब है। इवन मैं कहूंगा कि नूर अहमद से भी इनको दिक्कत होने वाली है। बाकी यहाँ पर कुणाल पांड्या इनका देखें तो राशिद खान के खिलाफ इनका भी रिकॉर्ड बहुत खराब है, इवन समी के खिलाफ भी बहुत खराब है, 24 रन बना करके 3-3 बार बंदा आउट हो चुका है इन दोनों की गेंदों पर। बाकी मोहित शर्मा और नूर अहमद से भी काफी सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी इधर मार्कस स्टोन्स का देखें तो राशिद खान ने इनको भी परेशान किया, तो राशिद खान आपको बराबर लगातार दिखाई पड़ रहे हैं और कैप्टन या वाइस कैप्टन के बना दी बेस्ट चॉइसेस भी हो सकते हैं। बाकी किसी के भी खिलाफ इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। बाकी कृष्णप्पा गौतम ये उतने जरूरी नहीं है जो कि बैटिंग देंगे बड़ी नीचे आती है। बाकी इधर आपको आयुष बदोनी रवि साई किशोर के खिलाफ 1 बार आउट हो चुके हैं, इनको कोई दिक्कत होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी और क्वालिटी गेंदबाजी से, जो कि आपने आरसीबी के खिलाफ देखा होगा जोश हेजलवुड के खिलाफ बड़ी खराब बैटिंग इन्होंने की थी, लगातार बल्ला भाज रहे थे, कोई भी गेंदिंग के बल्ले पर आ ही नहीं रही थी, तो उस क्वालिटी की बॉलिंग हो तो जरूर आयुष बदोनी को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, जो कि है भी गुजरात के पास खास करके मोहम्मद समी के नाम का। बाकी यहाँ पर मनन वोरा को भी देख सकते हैं, मोहित शर्मा के खिलाफ 16 गेंद पर 13 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर नंबर्स और स्टैट्स का गेम यहाँ पर होता है खत्म। पूरी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर आपको मैं दे चुका हूँ कि किस इनिंग में कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट होगा कितना नहीं होगा। इन सभी एनालिसिस की बेसिस पर जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि स्मॉल लीग की टीम में ये प्लेयर हमारे टीम होंगे, वही टीम फिलहाल यहाँ पर मेरी होने वाली भी है, जो कि कुछ इस तरीके की आपको दिखाई पड़ेगी। बाकी इसमें चेंजेस की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। ये जो तीनों बॉलर हैं यहाँ पर हमारी टीम में गुजरात की तरफ से, आपको मैंने बताया भी था कि क्यों मैं इनको लेकर के जाऊँगा। एक चेंज जो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि समी को मैं हटा सकता हूँ, नवीनुल हक को ले सकता हूँ, वो कंडीशन तब होगी जब गुजरात की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, क्योंकि नवीनुल हक तब मेरी टीम में आ जाएंगे और कोई चेंज यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। वो अलग बात है कि जैसा आपको मैंने बताया था कि क्विंटन डिकॉक अगर काइल मेयर्स की जगह पर खेल जाएंगे तो काइल मेयर्स हमारी टीम में तो डेफिनेटली नहीं होंगे, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर के रूप में आ जाएंगे, तब मैं निकोलस पुरन को हटाकर वृद्धिमान साह को भी रख सकता हूँ। ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है, जो भी होगा वो सारा फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसको जाकर के जल्दी से डाउनलोड ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए माई मास्टर 11 ऐप को, काफ़ी दिक्कत के साथ वीडियो मैंने बनाई जरूर है, किसी भी तरीके से मास्क वगैरह बना करके, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए क्योंकि गिव अवे के लिए वो जरूरी है। बाकी हर वीडियो में 5 लोग 5,000 रुपये जीतते हैं लाइक और कमेंट करके, सबसे पहला और सबसे लाइक और कमेंट करके, जो कि आप भी कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन आंसर गिव अवे तो होगा ही। बाकी माई मास्टर 11 पर 50,000 रुपये गिव अवे हर मैच में होता है, और बाकी आपको मैं जो दे रहा हूँ वो तो मिल ही रहा है। तो इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहाँ पर ख़त्म करेंगे, चलते हैं, नमस्कार।